नमस्कार किसान साथियों आप देख रहे हैं कृषि दर्शन एक्स वाई झेड और मैं हूं दिनेश रावत किसान साथियों इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले की मुल्तई तहसील के प्रभातपट्टन ब्लॉक के खेत में आए हुए हैं और ये खेत गेंदा फूल का बहुत ही शानदार मन भावन और लुभाने वाला खेत है तो किसान साथियों आज के इस वीडियो में हमारे साथ इस खेत के किसान मालिक और गेंदा फूल के उस्ताद भी खड़े हैं जो कि इस गेंदा फूल के खेती से संबंधित आपको जानकारी देंगे तो मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना छोटा सा परिचय दे दें मेरा नाम हरीश चर्पे प्रभातपट्टन तहसील मुल्ताई जिला बैतूल का रहवासी हूँ मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं और मैं कई वर्षों से प्रवादपट्टन में इस खेत में मैं गेंदे की खेती करते आ रहा हूँ तो किसान साथियों ये हमारे हरीश चर्पे जी हैं और गेंदा फूल के एक्सपर्ट यानी उस्ताद हैं और आपने पहले भी इनके कहीं वीडियो देखे होंगे और इनको गेंदा फूल का की खेती किसानी का लंबा अनुभव है और ए टू जेड जानकारी इनके पास समाहित है तो इनके अनुभव का लाभ लेते हुए हम एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आपके लिए ज्ञानवर्धक है तो चरपे जी अभी जो ये वैरायटी दिख रही है हमारे पास ये कौन सी वैरायटी है और इसमें कौन कौन से कलर आपने लगाए हैं मैंने अभी दो दो इन दो तीन वैरायटी का गेंदा लगाया वो जी जो कुछ वैरायटी मेरी कर्नाटक का है हाँ और कुछ वैरायटी कलकत्ता की है हाँ तो कलकत्ता में जो है वो ऑरेंज कलर का है और येलो कलर जो है वो कर्नाटक का है जी ये जो खिले हुए हैं अपने पीछे जस्ट चौधरी रहा है हाँ। ये कौन सी वैरायटी है ये जो येलो येलो कलर का जो है हाँ ये कर्नाटक वेराइटी है जी और ये ऑरेंज ऑरेंज ये? ये, ये है जो कलकत्ता लड्डू गेंदा है आ, जी लड्डू गेंदा इसका बाद दूसरा कोई नाम भी है उसको टेनिस बॉल टाइप है, जैसे टेनिस बॉल से भी क्वालिटी अच्छी है कीपिंग क्वालिटी अच्छी है उस जी तो आ, शर्पे जी चूंकि ये जो फूल है अभी काफी खिलने लगे हैं और कलिया भी यानी कि फ्लावरिंग प्लस बडिंग दोनों साथ साथ चल रहा है तो ये अभी कितने दिनों का गेंदा फूल हुआ है ये अभी चालीस से पैंतालीस दिन का हो चुका है चालीस से पैंतालीस दिनों का जी तो इस लोकेशन पर यानी ये प्रभात पट्टन का खेत है तो इसमें आपने डिस्टेंस क्या रखा रो में भी प्लस पौधे से रो से रो का डिस्टेंस है तीन फीट का और पौधे से पौधे की दूरी है डेढ़ फीट की जी तो इसमें अभी पैंतालीस दिन का पौधा हुआ है और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग भी चालू हो चुकी है हालांकि हार्वेस्टिंग आपने चालू नहीं की है तो इसको बढ़ाने के लिए आपने कोई स्प्रे किया या कोई टॉनिक दिया है हाँ इसको स्प्रे और टॉनिक दोनों दिया है और सेफ्टी जैसे इलिया लग जाती है हाँ तो उसके लिए भी कीटनाशक का यूज़ किया है जी और तो ऐसा सारी चीज़ का जैसे दो तीन केमिकलों का मिक्स करके उसको स्प्रे किया गया है जी और फंगीसाइड का भी स्प्रे किया है जो बारिश में मौसम के जो धुंध गिरती है उसमें जो फंगस लगता है उससे बचाने के लिए भी फंगीसाइड का उपयोग किया जाता है जी और अगर इसमें जैसे स्प्रे और टॉनिक के पहले की बात करें खाद या फर्टिलाइजर की तो इसमें क्या आपने कोई फर्टिलाइजर अभी तक यूज हाँ, किया है फर्टिलाइजर में जैसे मैंने यहाँ डीएपी ए पी क्लोराइड का उपयोग किया है जी और मैं यूरिया का यूज गेंदे के अंदर नहीं करता हूँ जी उसका कारण उसका कारण ये है कि उसमें पौधे में बढ़वार आती है लेकिन उत्पादन उतरना नहीं निकल आता है जी उत्पादन पर बहुत प्रभावित होता है उसमें यूरिया से जी पौधा तो डेवलप दिखता है कि भाई हरा भरा हो गया है और यूरिया का पौधे में रोग ज्यादा ग्रसित होता है जी और चरपे जी हमारे ऐसे किसान मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आपसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर वो भी खेती कर रहे हैं तो उनको इस समय यदि 45 दिन का ये पौधा हुआ है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है तो आप क्या उनको बताना चाहेंगे आ, जैसे इस टाइम में जो 45 दिन की व्यवस्था में जैसे पौधा हो गया है उसमें जो फ्लावरिंग की स्टेज आ गई है हाँ तो उस स्थिति में जैसा कि जैसे उसमें फ्लावरिंग जितनी आएगी उसमें रोग भी उतने को, कोर करेंगे तो इसलिए उस चीज में उस वक्त ध्यान देना चाहिए कि भाई जो फंगस लग रहा है हाँ? उस वक्त फंगसाइड का उपयोग करना चाहिए बहुत बहुत सी कंपनियों का जे, जे. बहुत सी कंपनियों का वजह से ये इस टाइप से पौधे में रोग पकड़ लेता है अभी जैसे अभी यहाँ फ़िलहाल में बारिश हो बारिश हुई है और धुंध भी गिरी है जी तो जिसकी वजह से पौधे का फ्लावर इस टाइप से काला हो जाता है जी और पौधा भी खराब होना चालू हो जाता है इस टाइप से पौधा भी काला होने चालू हो जाता है इसमें करपा रोग बोलते हैं जी और इसको अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट ये ज़्यादा घेरता है जी इस गेंदे के पौधे में जब फ्लावर की स्टेज में आता है जी तो इसके लिए अपन क्या करते हैं उसके लिए फंगीसाइड का उपयोग जैसे रोको फंगीसाइड का हो गया किटाजिन का हो गया है कैब्रोटाप का हो गया जी तो जैसे अच्छी क्वालिटी के फंगीसाइड का उपयोग करना चाहिए जी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जैसे दो कलर है एक तो येलो ब्राइट है और दूसरा ऑरेंज है हाँ तो इनमें अगर दोनों की डिमांड की बात करें तो इनमें डिमांड किसकी रहती ज़्यादा कलकत्ता और... लड्डू की नहीं कलर की बात कलर में दोनों डिमांड में रहेगा जी और इसका अगर हम ज्ञान क्या है कि नॉलेज लेके या जानकारी लेके खेती और प्रोडक्शन तो बढ़ा लेता है हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं उसका मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए उनको उसका इतना ज्ञान नहीं होता हाँ। जिससे कि वो खपत कर पाए या इतना मतलब कि माल काट पाए तो इसके लिए हमारे किसान क्या कर सकते हैं कि खेती तो अच्छी कर ही रहा है प्रोडक्शन भी अच्छा ले रहा है लेकिन प्रॉपर इसको सेल सेल भी कर पाए, सेल आउट कर पाए पाए हाँ। आउट और कहीं कहीं ना आजकल जो बीच में दलाल होते हैं उनसे भी मतलब बचा जा सके इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए यही कर सकते हैं कि जैसे अपने जो धार्मिक स्थलों में जो शॉप वाले है या हाँ। धार्मिक स्थल है या शॉप कंटिन्यूस लगी रहती है और अधिकतर जो शॉप लगी रहेगी वो धार्मिक स्थलों में ही मिलेगी आपको जी कि फ्लावर शॉप जो मिलेगी वो धार्मिक स्थलों पर मिलेगी तो डायरेक्ट शॉप वाले से ही कंसल्टिंग करने से आपको बीच के बिचौलियों से बच जाएगी जी हाँ थोड़ा सा आगे चलिए और इसमें एक जानकारी और चाहूँगा हमारे जैसे हमने पहले भी वीडियो बनाया था तो काफ़ी लोगों ने इसमें प्रश्न किया था कि आप बेड नहीं बनाते हैं मल्चिंग पेपर का उपयोग नहीं करते हैं ड्रिप इरीगेशन उपयोग नहीं करते हैं तो इन प्रश्न करने वाले भाइयों को आप क्या बताना चाहेंगे मतलब इसके पीछे का क्या कारण है देखो ड्रिप एरिगेशन में एक ऐसा है कि जैसे आप एक ड्रिप के माध्यम से खाद स्प्रे और जो पानी की व्यवस्था है पौधे को डायरेक्टली पौधे को पहुंच जाती है हाँ लेकिन उसमें कॉस्ट भी ज्यादा आती है बिछाने के लिए लेबर नहीं मिलते सारी चीज नहीं मिलती जी और मल्चिंग में जैसे निलाई गुड़ाई के लिए बचने के हिसाब से मल्चिंग लगाया जाता है जी तो मल्चिंग की भी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है जी मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके खेत में अगर बहुत ज्यादा जो खतपतवार है जी। जो खत्म नहीं होते हैं बार जिद्दी खतवार खतपतवार आते हैं तो उन व्यक्तियों के लिए ठीक है कि वे मल्चिंग लगाए लेकिन नॉर्मली खतपतवार आ रहे हैं और उसके लिए अगर आप मल्चिंग लगा के काम कर रहे हो तो कॉस्ट आपकी ज्यादा जाएगी उस लेवल से फ्लावर बिकना चाहिए जी तो इस तो बार आपने ये जो पौधे लगाए हैं ये कितने खेत में लगाए हैं ये लगभग लगभग डेढ़ से पौने दो एकड़ करीब है और कितनी वेरायटी है इस बार इसमें इस में चार वेरायटी है चारों का नाम बताइए एक कलकत्ता लड्डू का है हाँ और कलकत्ता ही आ, एलो भी है जी और उसके बाद में कर्नाटक की वेरायटी है जिसमें मेरे पास में अभी चार वेराइटी कर्नाटक की भी है जी तो इसमें जो ये अभी जो लगी है दो रो इसमें ये ट्रायल बेसिस पे है अभी जी तो इसमें एक आशा है और एक आकाश है जी एलो में तो इस बार आप और ताड़... एक अंबर वेराइटी है जो कर्नाटक की जो फेमस वेराइटी है अंबर जी जो मैंने छः पैकेट लगाया है और उसके बाद में ऑरेंज में कर्नाटक का ही अपना कार्तिक लगाया है जी चरपे जी इस बार जैसे आपने आ, अलग अलग चार से पांच वैरायटी के गेंदा फूल पौधे लगाए हैं ठीक है तो अगर हम पौधे की बात करें तो लगभग कितने पौधे होंगे ये ये लगभग बारह हज़ार से चौदह हज़ार के बीच में है जी तो इस बार आप इन बारह हज़ार से चौदह हज़ार पौधों से कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि कितना प्रोडक्शन ले पाएंगे आप हो सकता है कि फसल तो बहुत अच्छी है मौसम अगर साथ दे हाँ तो सौ कुंटल से ऊपर ऊपर जाएगा जी और ये कितने खेत में लगाया हुआ है डेढ़ से पौन दो एक जी और ऐसे किसान मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं और देखने के बाद आपसे किसी प्रकार से संपर्क करना चाहें चाहे वो गेंदा फूल की खेती से संबंधित जानकारी को लेकर या फिर कोई स्प्रे को, को लेकर किसी फर्टिलाइज़र को लेकर या नॉर्मली आपसे बात करना चाहें तो क्या आप अपना मोबाइल नंबर उन्हें बता सकते हैं हाँ मोबाइल नंबर दे सकते हैं जी आप बताइए मेरा मोबाइल नंबर है नाइन वन हाँ नाइन फोर डबल सिक्स जी फोर सिक्स फोर जी एक बार और आप आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे रिपीट कर दीजिए मेरा फिर से एक बार मोबाइल नंबर सुन लीजिए नाइन वन सेवन नाइन फोर डबल सिक्स फोर सिक्स फोर जी और इस नंबर पर कॉल करने का समय बता दीजिए ताकि आपको भी सहूलियत हाँ, रहे उन्हें भी ठीक इस लगे नंबर पर कॉल करने के लिए कम से कम मेरे से नौ बजे सुबह से लेकर छः बजे शाम तक के कॉल कर सकते हैं जी और यदि आपको गेंदा फूल का थोक परचेज करना है यानी कि खरीदना है तो भी आप इसी नंबर पर संपर्क हाँ, इसी, इसी संपर्क कर सकते हैं जी तो चर्पे जी चूंकि आप गेंदा फूल के उस्ताद हैं लेकिन काफ़ी किसान पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें थोड़ा सा ये बताइए कि आपको जो गेंदा फूल का अनुभव है वो लगभग कितने सालों का है मैं गेंदा फूल की खेती नाइन्टी वन से कर रहा हूँ इक्यानवे से उन्नीस सौ इक्यानवे से खेती करते आ रहा हूँ जी तो अगर हम इक्यानवे से जोड़ते हैं तो अभी 2024 आज तारीख जो है वो 27 सितंबर 2024 है तो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितने साल हो गए हैं चौंतीस साल होते आ रहे हैं ठीक है तो चौतीस सालों का बहुत लंबा अनुभव होता है किसान साथियों तो बेझिझक आप इनसे किसी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं प्लस यदि आपको थोक में गेंदा फूल ख़रीदना हो तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं तो ठीक है किसान साथियों आज के लिए इतना ही वीडियो और एक फुल वीडियो और भी हम बाद में बनाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आज जो बनाया बनाएगा एगा एगा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक भी रहेगा तो ठीक है धन्यवाद जय हिंद जय जवान जय किसान नमस्कार